आईएम के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर बीपीएस लोचब ने भाजपा जिला उपाध्यक्ष गजेंद्र चौधरी पर 2,65,000 रुपए रंगदारी वसूलने का मामला दर्ज कराया है। उनके मामला दर्ज कराने के बाद गजेंद्र चौधरी को मझौला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरअसल डॉक्टर बीपीएस लोचब आईएमए के पूर्व अध्यक्ष हैं और उनकी पत्नी अंजू लोचब भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व महानगर अध्यक्ष हैं। इस पूरे मामले पर सीओ सिविल लाइंस अर्पित कपूर ने बताया कि डॉक्टर लोचब ने बीते दिन भाजपा जिला उपाध्यक्ष और हिंदू कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष गजेंद्र चौधरी और उसके अज्ञात साथी पर मारपीट, धमकी देने और 2,65,000 रुपए रंगदारी वसूलने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। दर्ज रिपोर्ट में डॉक्टर लोचब ने आरोप लगाया था कि 19 सितंबर 2019 को गजेंद्र चौधरी ने अपने एक साथी के साथ उनके चैम्बर में घुसकर उनके साथ गाली गलौज की और उनसे पैसों की मांग की। मना करने पर उनके 65,000 रुपए छीन लिए। इसके बाद 10 फरवरी 2022 की रात करीब 8:30 बजे क्लिनिक पर आए एक व्यक्ति ने फोन पर गजेंद्र चौधरी से बात कराई और 2,00,000 रुपए मांगे। तब उन्होंने घर से मंगाकर रकम उस व्यक्ति को दी। आपको बता दें कि डॉक्टर बीपीएस लोचब का घर और क्लिनिक मझौला थाना क्षेत्र के प्रकाश नगर चौराहा स्थित कुंज बिहार में है। उधर इन आरोपों पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष गजेंद्र चौधरी का कहना है कि डॉक्टर ने कुछ लोगों के बहकावे में आकर झूठा केस दर्ज कराया है। पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी तो सच सामने आ जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।